अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम दिखाएंगे 41 लीटर का पावर पैक के साथ सोलेनोइड वाल्व का जो कनेक्शन है वो आज हम करेंगे और इसका ऊपरी वीडियो बनाया है। तो आप देख ही सकते हो, आप इसमें सोलेनोइड वाल्व जो लग गया, अब इसको थोड़ा स्टार्ट करके देख लेता है। हाँ, तो ये मोटर तो अभी चल रहा है। अब इसको हम करेंगे पैनल के साथ कनेक्ट, और पैनल का जो कनेक्शन किसी को अगर चाहिए तो कमेंट में बताने का, मैं बता दूंगा कैसा पैनल कनेक्ट करता है। और अभी हम पैनल का साथ इसको कनेक्शन किया, उससे पहले गाइज और एक काम है, जो अपना जो हाइड्रोलिक है वो हाइड्रोलिक में पहले ये जो ऑयल का जो पाइप है इसको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो इसके लिए एडाप्टर लगाना पड़ेगा पहले। एडाप्टर लगाने के बाद पाइप का साथ जो कनेक्ट है वो हम कर ले रहे हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ठीक है गाइस। अभी हम इसको पूरा सेटअप कर लेता है, फिर देखेंगे। अभी पैनल का साथ गाइस इसको कनेक्शन कर लिया, अभी हम इसको एक बार चेक करके देख रहा हूँ। उसका बाद ही गाइस आप देख ही सकते हो, अपना आई में लाइट आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो सेटअप है गाइस उसको और एक बार हम देख लेते हैं, उसका बाद ही इसका सेटअप जो है वो करना पड़ेगा। उससे पहले हमको ये आप देख ही सकते हो सिलेंडर अप डाउन हो रहा है। इसके लिए अपना जो सेटिंग रहता है पैनल में, उस सेटिंग को पहला सेटअप करना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी सेटिंग कर ले रहा है। अब सेटिंग करने के बाद गाइस अब देख ही सकते हो ये अप डाउन का जो है, मतलब जैसे कि आप देख सकते हो आप में 2 सेकेंड डाउन में 1 से 4 सेकेंड, अभी इसको पूरा रेडी हो गया। अब इसको आई लगा के देखेंगे हम लोग अभी कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी हाँ गाइस आप देख ही सकते हो पैनल का मीटर में जो दिखा रहा है आपको वो बराबर लाइट भी आ रहा है। अभी इसको फुल प्रेशर से चेक करेंगे गाइस, 400 का प्रेशर है गाइस, जिसमें 40 लीटर पंप है लेकिन 400 का प्रेशर है इसमें। हम वो चेक कर रहा है, अभी फुल प्रेशर में दे दिया उसको, और आखिर में जब पूरा काम कंप्लीट है तो अभी फाइनली अपना इस मैशिंग के गाइस, इसी काम के लिए इस मैशिंग को बनाया गया है। और इस मैशिंग कैसे लगा।